अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, ब्रांड मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए बच्चों, लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एक नया और फ्रेश वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं माहौल का मुताला, मीडियम उर्दू, स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट EVS। और आज का हमारा टॉपिक है आवर बॉडी, यानी हमारा जिस। बहुत ही इंटरेस्टिंग सबक है आज का हमारा। सबक का नाम क्या है? सबक नंबर 15, हमारा जिस्म। हमारा जिस्म तो हमारे पास है ही ना। उसी के बारे में हम आज डिटेल में मालूमात हासिल करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बताइए मैं कौन हूँ। मैं हूँ आपका टीचर शम्स तबरेज। चलिए शुरू करते हैं हमारे जिस्म के बारे में डिटेल में मालूमात, तफसीली मालूमात लेके। तैयार है आप लोग? ठीक है, चलिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसे नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना, तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड, चलिए बढ़ते आगे। सबक नंबर 15, हमारा जिस्म। बताओ तो भला तुम्हारे दोस्त क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ तस्वीरें आपके सामने आएंगी, आपको बताना है कि वो क्या कर रहे हैं। ओके, चलो सबसे पहले देखते हैं कौन सी तस्वीर है, कौन है ये। क्या कर रहा है ये लड़का? वेरी गुड, फुटबॉल खेल रहा है ना। आप लोग भी बहुत सारे गेम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, भागम भागी खेलते हैं, है ना। हम स्कूल में रहते तो बहुत सारे गेम खेलते थे, लेकिन फ़िलहाल क्या है, स्कूल बंद है और आप घर में ही है, इसीलिए तो हम वीडियो बनाकर आप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लड़का क्या कर रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। और फुटबॉल में ये अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा है ना। फुटबॉल पैरों से खेला जाता है ना। देखिए ये कौन है बताइए ज़रा। ये है, कहाँ रहते ये? हॉस्पिटल में। ये है नर्स, है ना। देखिए इसके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड है ना, पेशेंट का रिपोर्ट कार्ड, और वो उंगली से उसको कुछ बता रही है, समझा रही है किस तरह दवा लेना है, किस तरह खाना है, कैसे खाना है, क्या खाना है, कब सोना है, कब उठना है, कब दवाई लेना है, उसको वो इशारों से बता रही है। और उसके हाथ में एक रिपोर्ट कार्ड भी है अपने पेशेंट का, है ना। चलिए अगला बताइए। इसी तो देखे होंगे ना आपने। कौन है ये? वेरी गुड, ट्रैफिक पुलिस। क्या करते हैं ट्रैफिक पुलिस? देखिए अपने वो हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों को रोकने के लिए, एक साइड का ट्रैफिक रोकने के लिए और दूसरे साइड का ट्रैफिक निकालने के लिए, है ना। गाड़ियों को रोकते हैं एक साइड और दूसरे साइड की गाड़ियों को निकालते हैं, तो फिर वहाँ से जब
ट्रैफिक क्लियर हो जाता है, फिर इस साइड छोड़ते हैं, उस साइड रोकते हैं, तो वो हाथों का इस्तेमाल करके गाड़ियों को रोक रही है ना ट्रैफिक पुलिस, लेडी ट्रैफिक पुलिस है, बराबर। चलिए देखिए, हाँ बस में आपने ट्रेवल किया ना, सफ़र किया ना, बस में सफ़र करते तो क्या करना होता है, टिकट निकालना होता है ना, तो ये वो कंडक्टर है जो आपको टिकट बनाकर देता है, और ये हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथों से ऊपर पकड़ा हुआ है ना। ये कौन है? ये है हमारा जवान, देश का जवान, इसे है ना, ये पुलिस भी हो सकता है। तो क्या कर रहा है, सल्यूट कर रहा है, सलाम कर रहा है और ये है आपकी सहेली, चढ़ रही है और अपने सर पर टोपी पहन रही है। तो बताइए ज़रा, ये तमाम लोग वो जिस्म के कौन से हिस्से इस्तेमाल कर रहे हैं? हाथों का इस्तेमाल हो रहा है, पैरों का इस्तेमाल हो रहा है, पैरों से खेल रहे हैं, हाथों से बहुत सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर वो अपने जिस्म के अलग अलग हिस्सों से काम ले रहे हैं। समझ में आया क्या, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? हमारा जिस्म, तो ये पैर हाथ ये सब हमारे जिस्म के हिस्से हैं। चलिए बढ़ते आगे। जिस्म के हिस्से पहचानो, क्या करना है आपको, जिस्म के हिस्से आपको पहचानना है। ये लड़का आ गया है आपके सामने, है ना, पहचानते हैं आप लोग उसको? अरे नहीं पहचानते, आपकी किताब में तो है ना ये, हाँ वही लड़का है। पेशानी, गाल, नाक और कान कहाँ पर है बताइए, बताइए, बहुत आसान है ना, पेशानी, गाल, नाक और कान, सबसे पहले बताओ अपनी पेशानी, कहाँ है पेशानी? ये रही पेशानी, है ना, और उसके बाद क्या है, गाल, अपने गालों को हाथ लगाओ जल्दी जल्दी सब बच्चे, वेरी गुड, ये रहे गाल, है ना, उसके बाद नाक, नाक कहाँ पर है, ये रही नाक, वेरी गुड, और कान कहाँ पर है, ये रहे दो कान, सबको दो कान रहते हैं ना, वेरी गुड, पेशानी, गाल और नाक और लास्ट में कान, आप सबको भी है ना ये, वेरी गुड। तो सबसे पहले बताइए, पेशानी पर उंगली रखिए आपके, हाँ ये है पेशानी, और ये है गाल, गाल पे उंगली रखिए, नाक, नाक पे उंगली रखिए, और फिर लास्ट में कान, वेरी गुड। उसके बाद देखते हैं पेट और सीना, ये रहा हमारा पेट, है ना, और ये रहा हमारा सीना, बराबर ना, यही है ना पेट। उसके बाद बालाई बाजू, कलाई और हथेली, जल्दी बताइए, देखिए ये रहा बालाई बाजू, ये रही कलाई, और ये है हथेली, बराबर ना। आगे हम डिटेल में इसकी मालूमात लेंगे। जानू, घुटना और पाँव, ये यहाँ से यहाँ तक जानू, ये रहा हमारा घुटना, और ये है हमारा पाँव, बराबर।
क्या दी हुई तस्वीर देखकर तुम जिस्म के अहम हिस्से पहचान सकते हो? जल्दी बताइए। मैंने तो आपको अहम हिस्सों की जानकारी यहाँ पर दे दी कि ये पेशानी होती है, ये गाल होता है, ये नाक होती है और ये कान। ये है हमारा सीना, ये है हमारा पेट, बालाई बाजू भी मैंने आपको बताया हूँ, कोहनी भी बताया हूँ, घुटना भी बताया हूँ, जानो और पाँव भी आपको बताया हूँ। समझ में आया आपके? हाँ, तो ये है हमारे जिस्म के हिस्से। इसको हम और डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है ना आपके? तो यहाँ पर हमने क्या देखे? पेशानी, गाल, नाक और कान, पेट और सीना, बालाई बाजू, कलाई और हथेली, जानो, घुटना और पाँव। चलिए इसको डिटेल में और देखते हैं। तो जिस्म की बनावट, सर, धड़, हाथ और पैर। क्या क्या है? सर, धड़, हाथ और पैर जिस्म के अहम हिस्से हैं। कौन कौन से अहम हिस्से हैं? सर, धड़, हाथ और पैर। सर, धड़, हाथ और पैर जिस्म के अहम हिस्से हैं। सर, हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। समझ में आ रहा है? हाथ, सर और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम सर। क्या देखते हैं? ये रहा हमारा सर, है ना? सबका इसी तरह होता है ना? किसको? दो नाक, एक कान, एक आंखें और दो मुंह रहते हैं क्या? नहीं ना? वेरी गुड। सबका सर इसी तरह होता है। दो आंखें होती है, दो कान होते हैं, एक नाक होता है, एक मुंह होता है। चलिए, सर पर बाल होते हैं, है ना? दिख रहा है आपको बाल? वेरी गुड। ये रहे हमारे बाल। पेशानी के नीचे दो आंखें होती है, दिख रही है आपको आंखें? ये रही एक आंख और ये हुई दूसरी आंख, है ना? और इसको इस तरह बनाए तो ये बन गया चश्मा। उसके बाद एब्रो और पपोटे होते हैं, है ना? ये होते हैं एब्रो, है ना? आँख के ऊपर हमारे बाल होते हैं ना। ये रही एब्रो। समझ में आ रहा है आपके? हाँ, तो हम क्या देख रहे थे? एब्रो और पपोटे होते हैं। ये रही हमारी एब्रोस। ये क्या है? एब्रो। और आँखों के ऊपर जो बाल रहते ना, ये वाले, हाँ, उसको कहते हैं पपोटे। दोनों जानी दो कान होते हैं। ये रहे हमारे कान, दो कान, बराबर ना? इससे पहले भी मैंने आपको बताया। ये है हमारे दो कान। दोनों जानी दो कान होते हैं, एक साइड होता है और दूसरा दूसरी साइड होता है। सामने की जानी नाक होती है, बराबर ना? नाक दिख रही है आपको? बताइए आपके नाक कहाँ है? हाँ, उंगली रखी अपने नाक पर। हाँ, ये रही नाक। नाक के नीचे मुंह होता है। क्या होता है? मुंह। ये है हमारा मुंह। और मुंह के नीचे ठुड्डी होती है, जकन भी उसको कहते हैं। ये रही हमारी ठुड्डी। ये क्या है? ठुड्डी। समझ में आया आपके? वेरी गुड। तो ये हमारा क्या है? सर है। सर पर बाल होते हैं, पेशानी नीचे दो आंखें होती है, आईब्रो और पपोटे होते हैं, दोनों जानब दो कान होते हैं, सामने जाते नाक होती है, नाक के नीचे मुंह होता है, मुंह के नीचे ठुड्डी जखन होती है। समझ में आया आपके? सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन है। ये क्या है? हमारी गर्दन। गर्दन के सामने का हिस्सा गला कहलाता है। इसे क्या कहते हैं? गला। क्या कहते हैं इसे? गला। समझ में आया आपके? सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन है। गर्दन के सामने के हिस्से को गला कहते हैं। तो ये हो गया हमारा सर। किसके बारे में डिटेल है? ये सर के बारे में। हमारे सर, हमारे जिस्म के ऊपर जो मेन हिस्सा है वो है हमारा सर। ठीक है, समझ में आया आपके? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हम धड़। क्या देखते हैं? धड़। देखिए, ये ऊपर हमारा सर है और सर के नीचे
हमारा ये हिस्सा धड़ कहलाता है। क्या कहलाता है? धड़। ये हाथ हो गए, ये हो गए हमारे पैर, बराबर। और ये जो बच्चा है बीच में, ये कहलाता है हमारा धड़। समझ में आया आपके? चलिए देखते हैं उसकी डिटेल। सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। क्या क्या? सीना, पीठ और पेट मिलकर धड़ बनता है। धड़ से हाथ जुड़े हुए होते हैं, उसको कंधा कहते हैं। उस हिस्से को क्या कहते हैं? कंधा। धड़ से पैर भी जुड़े होते हैं, उस हिस्से को कोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोला। देखिए ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, ये वाला हिस्सा, ये है हमारा कंधा। क्या है ये? ये हमारा हिस्सा है कंधा। और ये इस साइड जहाँ पर पैर जुड़े हुए, यहाँ पर हाथ जुड़े हुए, यहाँ पर हाथ जुड़े हुए, इसके लिए इसे कंधा कहते हैं। और यहाँ से हमारे पैर जुड़े हुए हैं, इसके लिए इसे कोला कहते हैं। सीना, पेट और पीछे की पीठ मिलकर क्या बनता है? धड़ बनता है। ओके, समझ में आया? सीना, पीठ और पेट मिलकर धड़ बनता है। धड़ से हाथ जुड़े हुए होते हैं, उस हिस्से को कंधा कहते हैं। धड़ से पैर भी जुड़े होते हैं, उस हिस्से को कोला कहते हैं। देखिए ये रही हमारी पीठ, ये क्या है? हमारी पीठ। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। देखते हैं इनको क्या कहते हैं। ये है हमारा गला, ये है हमारी छाती, यानी इसे सीना कहते हैं। और ये रहा हमारा पेट, ये रही हमारी गर्दन, हमारा जो जिस्म है उसमें की ये गर्दन है। और ये है हमारी पेट। समझ में आ गया आपके? सीना, पीठ और पेट मिलकर धड़ बनता है। और धड़ से हाथ जहाँ पर जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं कंधे, और जहाँ पर पैर जुड़े हुए होते हैं उसे कहते हैं कोला। समझ में आ गया? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं हाथों के बारे में, हाथों की डिटेल जानते हैं। हाथ, ये रहा हमारा हाथ, है ना? सबका इसी तरह हाथ होता है ना। तो बालाई बाजू, अगला बाजू और पंजा, हाथ के तीन हिस्से होते हैं। अगला बाजू यानी कोहनी से कलाई तक का हिस्सा। हाथ की उंगलियां पंजे का हिस्सा है। हाथ की उंगली क्या है? पंजे का हिस्सा है। बालाई बाजू और अगले बाजू को जोड़ने वाले हिस्सा कोहनी है। बालाई बाजू और अगले बाजू को जोड़ने वाला हिस्सा कोहनी है। अगले बाजू और पंजे को जोड़ने वाला हिस्सा कलाई है। समझ में आ गया आपके? देखते हैं हाथ के हिस्से। ये है हमारा बालाई बाजू, ये है हमारी कोहनी, ये है हमारा अगला बाजू, ये है हमारी कलाई, और ये है हमारी हथेली, और ये रही हमारी उंगलियाँ। ओके, बालाई बाजू, अगला बाजू और पंजा। ये है हमारा बालाई बाजू, ये है अगला बाजू, और ये है पंजा। इस तरह कितने हिस्से हुए? तीन। ये है वन, ये दूसरा है टू, और ये तीसरा है थ्री। अगला बाजू यानी कोहनी से कलाई तक, ये कोहनी है हमारी, ये क्या है? कोहनी है, ये हमारी कलाई है, और ये तो मैंने आपको पहले बताओ, ये कंधा है ना? हाथ की उंगलियां पंजे का हिस्सा है। ये जो हाथ की उंगलियां आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो है पंजे का हिस्सा है। बालाई बाजू और अगले बाजू को जोड़ने वाला हिस्सा कोहनी है। जैसे मैंने आपको बताया, ये है कोहनी, अगले बाजू और पंजे को जोड़ने वाला हिस्सा कलाई है। ये है हमारी कलाई। तो टोटल तीन हिस्से हैं, बालाई बाजू जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से यहाँ तक अगला बाजू, और ये है हमारा पंजा। समझ में आ रहा है आपके? वेरी गुड। तो ये है हमारा हाथ और हाथ के हिस्से। हाथ में टोटल तीन हिस्से हैं, बालाई बाजू, अगला बाजू और पंजा।
बालाए बाजू और अगले बाजू के दरमियान में कोहनी आती है और हथेली और बाजुओं के बीच में कलाई आती है जो इन हिस्सों को जोड़ती है। और यहीं से हम टर्न कर सकते हैं, हाथ को कोहनी से टर्न कर सकते हैं, कलाई से टर्न कर सकते हैं और कंधे से टर्न कर सकते हैं, मतलब हाथ घुमा सकते हैं। इसकी अहमियत हमें आगे पता चलेंगी, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। तो समझ में आ गया हाथ के हिस्से, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पाँव। क्या देखते हैं? पाँव। ये रहा पाँव, समझ में आ रहा है आपके? जानू, ये रहा जानू। इसके बाद पिंडली, ये रही हमारी पिंडली। और पंजा, ये रहा पंजा। इस तरह पैर के तीन हिस्से होते हैं, जिस तरह हाथ के तीन हिस्से थे उस तरह पैर के भी तीन हिस्से हैं। ये एक, ये दो और ये तीन। कितने हिस्से हुए? तीन हिस्से होते हैं। पिंडली यानी घुटनों से टखने तक का हिस्सा। कहाँ से कहाँ तक? घुटने से टखने तक। पाँव की उंगलियां पंजे का हिस्सा होती है। जो ये उंगलियां है ये किसका हिस्सा है? पंजे का हिस्सा है। समझ में आ रहा है आपके? ये रही हमारी पिंडली, ये रहा टखना और ये रहा उंगलियां, ये रही उंगलियां और ये है हमारा तलवा। ये है हमारे पैर के हिस्से, जैसे मैंने आपको अभी बताया। यहाँ से यहाँ तक जानू है, ये घुटना है, ये पिंडली है, ये टखना है, ये उंगलियां है, ये पंजा है और ये रहा तलवा। तो जानू नंबर एक, जानू नंबर दो पिंडली और नंबर तीन पंजा। ये पैर के कितने हिस्से हैं? तीन हिस्से हैं। समझ में आ रहा है ना आपके? पिंडली यानी घुटनों से टकने तक हिस्सा, पाँव की उंगलियां पंजे का हिस्सा होती है। इसमें मैंने आपको बताया जानू और पिंडली को जोड़ने वाला हिस्सा घुटना होता है, यह है घुटना। पिंडली और तलवे को जोड़ने वाला हिस्सा टखना होता है, ये रहा टखना। समझ में आ गया? तो हमने देखे सर, हाथ और पाँव। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ नए अल्फाज हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहला नया अल्फाज है अजू, मखसूस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्म का हिस्सा अजू कहलाता है। मखसूस काम के लिए इस्तेमाल होने वाला जिस्म का हिस्सा अजू कहलाता है। जैसे चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल होता है, इसलिए पैर हमारा अजू है। सुनने के लिए कान का इस्तेमाल होता है, इसलिए कान हमारा अजू है ना। कुछ भी चीज़ पकड़ने के लिए हम हाथ का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हाथ हमारा अजू है। देखने के लिए हम आँखों का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आँख हमारा अजू है। सुनने के लिए कान, सुनने के लिए नाक, चलने के लिए पैर, ये सब का इस्तेमाल हम करते हैं, तो ये है हमारे अजू। समझ में आया अजू किसे कहते हैं? और दूसरा आज का नया अल्फाज है बैरूनी आज़ा। बैरूनी आज़ा मतलब बाहर, जिस्म के बाहर के आज़ा बैरूनी आज़ा कहलाते हैं। जिस्म के बाहर के आज़ा, जिस्म के बाहर के आज़ा मतलब बैरूनी आज़ा को बैरूनी हिस्से आज़ा भी कहते हैं। जैसे कान, नाक, हाथ, पैर हमारे आज़ा है बैरूनी आज़ा। वो जिस्म के बाहर पाए जाते हैं, है ना। एक होता है अंदरूनी आज़ा और एक होता है बैरूनी आज़ा, यानी वो बैरूनी आज़ा है वो जिस्म के बाहर पाए जाते हैं। हाथ, नाक, कान, मुंह, ये सब हमारे जिस्म के बाहर पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें बैरूनी आज़ा कहते हैं। एक होता है अंदरूनी आज़ा। क्या होता है? अंदरूनी आज़ा। अंदरूनी अज़ा जैसे हमारा दिल है, फेफड़े है, आते हैं, ये सब हमारे अंदर होता है, पेट के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर होते हैं, इसके लिए उन्हें अंदरूनी अज़ा
कहते हैं। तो समझ में आया, दो नए अल्फाज हमने सीखे, अज़ो और बैरूनी आज़ा। चलिए बढ़ते हैं आगे। बताओ तो भला, घुटना मोड़े बगैर किस तरह चलेंगे? मुझे बताइए, सवाल है आपके लिए कि जो घुटना है वो मोड़े बगैर आप कैसे चल सकते हैं? घुटना मोड़े बगैर आप चल पाएंगे क्या? जल्दी जल्दी बताइए। नहीं चल पाएंगे, क्योंकि घुटने से ही हमारा पैर मुड़ता है ना, और वहीं से हम चल पाते हैं। अगर हमारे पैरों में घुटना ना हो तो हम चल ही नहीं पाएंगे, बराबर। और दूसरा सवाल है, कोहनी मोड़े बगैर कंघी किस तरह करेंगे? कंघी करने की प्रैक्टिस करो तो ज़रा, हाथ में कंघी लो और कोहनी से मोड़े बगैर, कोहनी जहाँ जहाँ से हमारा कोहनी से हाथ मुड़ता है ना, वो मोड़े बगैर हाथ आप ऊपर उठाओ और अपने सर में कंघी करो। कर ही नहीं पाएंगे आप, क्योंकि हमारा हाथ मुड़ेगा ही नहीं। मोड़ने के लिए हम कोहनी का इस्तेमाल करते हैं, बराबर ना। तो ये हमारे जिस्म के अहम अज़ा है, और अहम अज़ा के ये अहम हिस्से है कोहनी और घुटना, जिससे हमारे हाथ और पैर मुड़ते हैं और हम काम कर पाते हैं, चल पाते हैं, बराबर। अगर ये नहीं होगे तो हम कोई काम ढंग से और सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस्म की हरकत क्या कर रहा है ये? गिल्ली डंडा खेल रहा है, और ये क्या कर रहा है? गिल्ली डंडा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, मोड़ने की कोशिश कर रहा है। गिल्ली डंडा तो खेले है ना आपने, गिल्ली का डंडा किस तरह होता है? मजबूत होता है, उसे मोड़ने की कोशिश करो। क्या डंडा मुड़ता है? नहीं मुड़ता, या तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बराबर। क्यों नहीं मुड़ता? क्योंकि उसके अंदर मुड़ने वाला आज़ा नहीं है, बराबर ना। वो एकदम स्टेड है, सख्त है और हार्ड है, कड़क है, वो नहीं मुड़ेगा। ज़्यादा ज़ोर से उसको मुड़ेंगे तो वो बीच में से टूट जाएगा। अगर हमारे हाथ पैर भी ना मुड़े तो क्या हम हरकत कर सकते थे? जी नहीं। ये अल्लाह की एक नेमत है कि अल्लाह ने हमें इस तरह का जिस्म दिया और इस तरह हमारा जिस्म बनाया कि हम आसानी से कोई भी चीज़ को पकड़ सकते हैं। अगर हमें पानी पीना है तो हम पानी एकदम आसानी से पी सकते हैं। गिलास में पानी लेना है, गिलास को पकड़ना है, वहाँ पर हम कलाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पंजे का इस्तेमाल कर रहे हैं और अंगूठे का इस्तेमाल कर रहे हैं गिलास पकड़ने के लिए, है ना। फिर जब गिलास उठाकर हम पानी पीने के लिए मुँह तक ले जाते हैं तो बीच में कोहनी आती है, तो कोहनी से हम हमारे हाथ को मोड़ते हैं। जब गिलास हमारे मुंह तक पहुंचता है और हम पानी पी पाते हैं, बराबर। अगर मान लो बीच में कोहनी नहीं है तो आप चाहे मर्जी कुछ भी कर ले, आप अपने हाथ से पानी नहीं पी पाएंगे। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो हमें इस तरह का जिस्म दिया और इस तरह का जिस्म बनाया। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस तरह से नहीं होते, उनके आज़ा में कुछ कमी होती है ना। तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें मुकम्मल जिस्म दिया जो हर तरह से जहाँ से उसको मिलना चाहिए वहाँ से मुड़ता है। तो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें तमाम चीज़ों से नवाजा। तो अगर हाथ और पैर हमारे नहीं मुड़ सकते तो क्या हम हरकत कर सकते थे? नहीं, बिल्कुल हम हरकत नहीं कर सकते। हमारे कुछ अज़ा मुड़ते हैं इसलिए हम हरकत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हमारे अज़ा मुड़ते हैं कहीं के जो कुछ से, इसलिए हम हरकत कर सकते हैं, चल सकते हैं, फिर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कहीं जाना है तो जा सकते हैं, कुछ खाना है तो खा सकते हैं, कुछ चीज़ पकड़ना है तो हम पकड़ सकते हैं। तो समझ में आया बच्चों आपके? वेरी गुड। तो बच्चों ये है
हमारे जिस्म का पहला हिस्सा। इसका दूसरा हिस्सा बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, फिलहाल ये वीडियो आप देखिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। स्टैंडर्ड थर्ड BMC एजुकेशन स्टैंडर्ड थर्ड वाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपका ये होमवर्क है कि आपको देखना है कि आप क्याजा किस तरह मुड़ते हैं, मुड़ते हैं नहीं मुड़ते हैं, मुड़ते हैं तो किस तरह मुड़ते हैं, कहाँ कहाँ से मुड़ते हैं, फिर अगले वीडियो में हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।